दोस्तों, तंबाकू हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है ये तो हम सभी जानते हैं। इससे होने वाली खतरनाक बीमारियों के बारे में चर्चा ना ही करें तो बेहतर है। पर इसके बावजूद भी भारत सरकार तंबाकू पर पूरी तरह से बैन क्यों नहीं लगा देती? दरअसल इसके दो कारण हैं, राजस्व और रोजगार। तंबाकू एक मल्टी बिलियन डॉलर का बिजनेस है जो सैकड़ों दशकों से अधिक समय से चल रहा है। अकेले वर्ष 2020 में भारत सरकार ने 4.6 बिलियन डॉलर कमाए, जो मोटे तौर पर तंबाकू टैक्स से 35,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। दूसरी ओर मई 2021 तक तंबाकू उद्योग ने देश में लगभग 45.7 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान किया है। तो क्या आपको लगता है कि सरकार इतने बड़े राजस्व और रोजगार के नुकसान को सहने में सक्षम होगी? साथ ही केवल बैनिंग ही इस समस्या का एकमात्र समाधान नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर तंबाकू बैन भी कर दे तो समांतर रूप से ब्लैक मार्केटिंग भी पैदा हो जाएगी। आपके क्या राय है इस पर, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।